देखिए, तेजस्वी यादव अपनी पोल खुद खोलते हैं, पता चल जाता है जब वो बयान देते हैं कि वो बिहार में आ चुके हैं, पता चल जाता है कि तेजस्वी यादव नींद से जाग चुके हैं। 2016 में जब शराबबंदी कानून बिहार में लागू किया गया तो ये कहा गया कि बिहार में देखिए पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू होगा और शराब बेचने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन बिहार से जो तस्वीरें निकल के आई और हाल के दिनों में गोपालगंज और बेतिया में जहरीली शराब कांड से 50 से अधिक लोगों की जब मौत हुई तो विपक्ष सरकार से अब लगातार सवाल पूछ रहा है और मौत के आंकड़े इस कदर बढ़े हैं कि कल देखिए 16 नवंबर है और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को लेकर के एक समीक्षा बैठक करेंगे और देखेंगे कि कहां चूक हो रही है, किस तरह से नकली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है, इसको लेकर के समीक्षा बैठक किया जाएगा। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन आज देखिए बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में थे और सवाल एक ही था कि समीक्षा बैठक में कल जब एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये बैठक होगी तो तेजस्वी यादव को लेकर भी सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि देखिए, तेजस्वी यादव जब प्रवास पर रहते हैं और जब बिहार लौटते हैं तो बयान देते हैं और सुर्खियां बटोरने के लिए बयान होता है, इससे पता चलता है कि तेजस्वी पटना में हैं। इसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि हमारी समीक्षा बैठक हर चीज़ों को लेकर होती रहती है, उसी को लेकर के फिर से एक समीक्षा बैठक है। शराबबंदी कानून में कहाँ चूक हुई, कहाँ नकली शराब पीने से इतने लोगों की अगर मौत हुई है, आंकड़े बड़े हैं तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये बैठक होगा और देखा जाएगा कि कहाँ पर चूक हो रहा है और उसको लेकर के फिर से एक नए प्रावधान के तहत शराबबंदी कानून पूर्ण रूप से बिहार में लागू कराई जाएगी। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा है आप सुनिए। देखिए, तेजस्वी यादव अपनी पोल खुद खोलते हैं, पता चल जाता है जब वो बयान देते हैं कि वो बिहार में आ चुके हैं, पता चल जाता है कि तेजस्वी यादव नींद से जाग चुके हैं। और जहाँ तक हमारी विषय है, हम तो अपने विषयों पर हमेशा समीक्षा करते रहे हैं और जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उसको दूर करते रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर कल फिर इसकी समीक्षा हो रही है, कहा है कहाँ पर कमियाँ रह गई, किन चीज़ों को हम और दुरुस्त कर सकते हैं, और सभी मंत्री समूह बैठेंगे तो निश्चित रूप से कई और सुझाव आएंगे और उन सुझावों के माध्यम से इस पूरे विषय को और सख्ती से कैसे लागू किया जाए, इस पर चर्चा होगी। आपको क्या लगता है कहाँ लूपहोल्स है, पुलिस की कमी है? देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग, विपक्षी लोग हैं, ये भी देखिए कि पॉलिटिकल पार्टी अभी ये समाज की विषय है और समाज के साथ साथ इसमें कहीं ना कहीं जो सरकार और प्रशासन है उसको कड़ाई से निपटना है। उसमें जहाँ जहाँ पर कुछ कमियाँ हैं उसको दुरुस्त करने के लिए समीक्षा बैठक होती है और ये एक अच्छी परंपरा ना है, हम अपने कामों की समीक्षा करते हैं, समीक्षा के उपरांत में जहाँ कमियाँ उसको दूर करने का काम करते हैं। हम वो लोग नहीं हैं केवल एक बयानवीर बनते रहे, हम तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। बट को चाहे जहाँ काम होगा सिर्फ यहाँ, ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। हम अपने कामों को ही समीक्षा करते हैं और यही नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी सरकार की कार्यशैली रही है।